हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वायल के बारे में। दोस्तों आपने ये वायल देखी होगी, लैब के अंदर मैक्सिमम यूज होता है। और दोस्तों इस वायल का नाम है, वो है SST वायल, मतलब सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। दोस्तों अब ये वायल होगी, अब इसका कलर क्या होता है, अब इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं, वो हर एक चीज की हम डिटेल से बात करेंगे। ये वायल किन से मिलकर बनी होती है और इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मैं इस वायल के बारे में दूंगा। सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो इसका कलर होता है वो येलो कलर की ट्यूब होती है, मतलब इसकी जो कैप मतलब टॉप ट्यूब होता है वो येलो कलर का होता है। और साथ ही साथ में दोस्तों ये प्लास्टिक से मिलकर बनी हुई होती है। फिर उसके बाद में दोस्तों ये अलग अलग मतलब अलग अलग साइज के अंदर वाइल्स आती है। छोटी वाली ये वाइल्स आप देख सकते हैं, छोटी वाली मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये थोड़ी उससे थोड़ी सी बड़ी होती है ये वाइल्स। अब दोस्तों इस वाइल के अंदर ऐसा क्या होता है, और इस वाइल के अंदर दोस्तों दो चीजें इम्पोर्टेंट होती है। इस वेल के अंदर दो कंटेंट से मिलकर बनी हुई होती है। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं ये ड्रॉप आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, हम इन्हें सिलिका पार्टिकल्स कहते हैं। अब सिलिका पार्टिकल्स का क्या फंक्शन होता है, जो सिलिका पार्टिकल्स होते हैं, अब इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ब्लड सेल्स होती हैं अपनी ब्लड के अंदर। आप जैसे सैंपल लेते हैं और इसके अंदर लेते हैं ब्लड सैंपल, तो दोस्तों अब क्या होता है, इसके अंदर जो सिलिका पार्टिकल्स होता है वो सिलिका पार्टिकल्स जो ब्लड सेल्स होती हैं उसको क्लम्बिंग करवाने का काम करता है। मतलब ये एक एक्टिवेटेड क्लम्बिंग होता है जो आपको सेल्स को क्लम्बिंग करता है, मतलब गुच्छा बनाने का काम करता है। फिर उसके बाद में जो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है ये जेल। आप देख सकते हैं ये जेल आपको दिख रहा होगा। दोस्तों इस जेल का क्या काम होता है, जो ब्लड होता है उसके अंदर से प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को अलग करना होता है, मतलब सेपरेट करना होता है। अब ये जेल किन से मिलकर बना होता है, तो ये जेल पॉलीमर्स का जेल होता है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में अब इसने सेपरेट कर दिया। अब मेन इसके अंदर क्या होता है कि गाइस ब्लड प्लाज्मा सेपरेट हो गया, प्लाज्मा या सीरम। दोस्तों प्लाज्मा और सीरम के अंदर क्या अंतर है, अगर ये आपको नहीं पता है तो मैं आई बटन के अंदर वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप भी उस वीडियो को भी देख लीजिए। फिर हम बात करते हैं अब इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज्यादा यूज होती है। आप देख सकते हैं ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, सबसे ज्यादा इस डिपार्टमेंट के अंदर इसका यूज किया जाता है। और इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट लगते हैं, जो सीरम से हो गया, जो भी सीरम वाले टेस्ट होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं, और जो प्लाज्मा के टेस्ट होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। अब दोस्तों आपको क्या ये वायल आपको देख ली, अब कौन कौन से टेस्ट आते हैं इसके हम बात कर लेते हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं इस वायल के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं। इस वायल के अंदर जो सबसे फर्स्ट आता है वो होता है यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट्स। दोस्तों यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट इस वायल अगर टेस्ट आता है तो हम ये वाली वाइल्स लेते हैं। फिर उसके बाद में जो होता है LFT, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। दोस्तों इसके अंदर अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे बिलीरुबिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, उसके लिए भी इस वाइल का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में आते हैं हम KFT, मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट के टेस्ट होता है, दोस्तों उसके लिए इस वाइल को यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं बोन प्रोफाइल की। दोस्तों बोन प्रोफाइल मतलब बोन से रिलेटेड जो भी टेस्ट हो गए, जैसे कैल्शियम हो गया दोस्तों, तो अब ऐसे में जो भी टेस्ट होता है वो इस वायल के अंदर यूज होता है बोन प्रोफाइल के। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूमर मार्कर की, जो भी ट्यूमर मार्कर से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, PSA हो गया, तो दोस्तों वो भी इस वायल के अंदर यूज होता है, मतलब वो ब्लड इस वायल के अंदर आएगा इन टेस्ट से रिलेटेड। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जो ड्रग लेवल टेस्ट होते हैं, CPM हो गया, ड्रग लेवल जो भी टेस्ट होता है उसके लिए भी इस वायल को यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी के टेस्ट के बारे में, जो इम्यूनोलॉजी का टेस्ट होता है जो एल्बुमिन होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो टेस्ट होता है, मतलब IG, उसके लिए भी इसको यूज करते हैं, और जो RH फैक्टर में भी इसको यूज करते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इस वायल को ऑर्डर भी कर सकते हैं Amazon से। और साथ ही साथ में दोस्तों आपको हर डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो हमारी वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं, आपकी डिस्प्ले के ऊपर शो हो रही है वेबसाइट। दोस्तों आप इस वेबसाइट के ऊपर मैंने अलग अलग आर्टिकल्स बना रखे हैं लैब के रिलेटेड, और दोस्तों कलर कोडिंग कर रखी है, जो भी वायल्स है किस लैब के अंदर कौन सी वायल्स यूज होती हैं और उसके अंदर कौन से टेस्ट आते हैं उसके ऊपर भी मैंने आर्टिकल्स बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिस कारण मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, और दोस्तों उसके ऊपर PDF शेयर करूंगा, उसके अंदर हर एक टेस्ट और जो टेस्ट होता है वो किस वायल के अंदर जाता है वो उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूंगा।
या दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है। और दोस्तों मुझे इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। और दोस्तों हमारी जो YouTube फैमिली है अब वो 14,000 से 15,000 होने जा रही है। थैंक यू सो मच गाइज। और दोस्तों अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार एक रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।